हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिया कुकिंग क्लासेस। माय नेम इज़ रोहिणी। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे रसमलाई केक, वो भी एक यूनिक डिज़ाइन के साथ। चलिए तो ये केक बनाना स्टार्ट करते हैं। रसमलाई केक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कंडेंस मिल्क का यूज़ करके बनाए हुए एगलेस वनीला केक स्पॉन्ज लिए हैं। अगर आपको केक में एक्स्ट्रा फ्लेवर चाहिए तो स्पॉन्ज बनाते समय आप उसमें रसमलाई इसेंस 3-4 ड्रॉप ऐड कर सकते हो। अब नाइफ का यूज़ करके केक के लेयर्स को हम कट करेंगे। ऊपर का जो डोम है उसे ऐसे कट करके हमें ये लेवल करना है। आप इन लेयर्स को धागे से भी कट कर सकते हो, मैंने प्रीवियस वीडियो में वो टेक्निक दिखाया है। नाइफ का यूज़ करके भी आप इन लेयर्स को अच्छे से कट कर सकते हो। नाइफ को ऐसे पकड़ के टर्निंग टेबल को धीरे धीरे घुमाते हुए हमें ये लेयर्स कट करने हैं। ये कंडेंस मिल्क से बनाया हुआ स्पॉन्ज है, इसलिए इसका कलर आप देखिए थोड़ा सा येलोइश है। यहाँ पे मैंने व्हिपिंग क्रीम को फेट के रेडी करके लिया है। इसे मैं थोड़ा सा केक बोर्ड के आगे के साइड में लगा रही हूँ और इसके ऊपर अब हमें रखना है केक का लेयर। ये रसमलाई केक है, इसके लेयर को मैं पानी से थोड़ा सा ही सोक कर रही हूँ। आप शुगर सिरप से भी इसे सोक कर सकते हो। रसमलाई केक के स्पॉन्ज को मुझे रसमलाई के दूध से भी सोक करना है, इसलिए मैंने इसे पानी से थोड़ा सा ही सोक किया है। यहाँ पे मैंने रसमलाई के बॉल्स और रसमलाई का दूध लिया है। ये मैंने घर पे ही रेडी किया है, इसका रेसिपी मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, आप देख सकते हो। अब ये जो रसमलाई का दूध है इससे हमें इस लेयर को सोक करना है। चम्मच से हमें इस दूध को इस लेयर के ऊपर डालना है और चम्मच से ही हमें ऐसे इसे स्प्रेड करना है। इस लेयर को हमें साइड से भी अच्छे से सोक करना है। इस लेयर को मैंने अच्छे से सोक कर दिया है। अब एक पाइपिंग बैग के अंदर मैंने व्हिपिंग क्रीम भर के लिया है, उससे मैं केक के इस लेयर के ऊपर पूरा क्रीम लगा रही हूँ। आप डायरेक्ट पैलेट नाइफ का यूज करके भी इस केक के ऊपर क्रीम स्प्रेड कर सकते हो, लेकिन इस टेक्निक से थोड़ा ईजी जाता है। अब पैलेट नाइफ को थोड़ा सा ओपन पकड़ना है और टर्निंग टेबल को धीरे धीरे घुमाते हुए इस क्रीम को हमें इस लेयर के ऊपर स्प्रेड करना है। अब इस क्रीम के ऊपर हम रसमलाई के जो बॉल्स है उसे थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे। रसमलाई के बॉल को क्रश करने से पहले उससे पानी निकालना है थोड़ा सा स्क्वीज करके, और बाद में ही हमें उसे क्रश करके लेयर के ऊपर स्प्रेड करना है। ये हमारा एक लेयर कंप्लीट हो गया है, उसके ऊपर हमें अब सेकेंड लेयर रखना है। थोड़ा सा हल्के हाथ से इसे प्रेस करना है। केक के साइड का जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसे हमें ऐसे लेवल करना है। इस सेकेंड लेयर को भी मैं पानी से थोड़ा सा सोक कर रही हूँ। उसके बाद रसमलाई का जो दूध है वो हमें चम्मच से ऐसे डाल के उसे हमें ऐसे स्प्रेड करना है। फिर से इसके ऊपर आएगा एक क्रीम का लेयर। अब इस क्रीम को पैलेट नाइफ से लेयर के ऊपर स्प्रेड करना है। इस क्रीम के लेयर के ऊपर डालने हैं हमें रसमलाई के बॉल्स थोड़े क्रश करके। इसके ऊपर आएगा नेक्स्ट लेयर। इस लेयर को रखने के बाद थोड़ा सा हल्के हाथ से इसे प्रेस करना है, फिर से पानी से सोक करना है। जो प्रोसीजर मैंने आपको दो लेयर्स में करके दिखाई है वही सेम प्रोसीजर हमें यहाँ पे रिपीट करनी है। ऊपर की क्रीम का लेयर हमें पैलेट नाइफ से अच्छे से स्प्रेड करना है। उसके बाद साइड का जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसे हमें पैलेट नाइफ से ऐसे स्प्रेड करके साइड में जो गैप्स है उन्हें हमें ऐसे फिल करना है। सारे लेयर्स मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब मैं रख रही हूँ ऊपर का लेयर, सबसे लास्ट लेयर। इसे हमें थोड़ा सा पानी से सोक करना है और इसके ऊपर भी हमें क्रीम का लेयर लगाना है। केक के साइड में भी हमें क्रीम का एक लेयर लगाना है। जो क्रीम मैंने लगाई है उसे मैं पैलेट नाइफ से ऐसे स्प्रेड कर रही हूँ। साइड में जो गैप्स है वो हमें अच्छे से क्रीम लगा के फिल करने हैं। अब इस केक को मैंने क्रीम का पतला लेयर लगा के क्रम कोट कर दिया है। अब इसे मैं 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखूंगी। अब इस केक को मैंने फ्रिज से बाहर निकाला है। अब इसके ऊपर मैं और एक पतला लेयर क्रीम का लगा रही हूँ। पैलेट नाइफ को थोड़ा सा ओपन पकड़ना है और टर्निंग टेबल को हमें घुमाना है और ये क्रीम हमें लेवल करनी है। साइड से भी हमें क्रीम को अच्छे से स्प्रेड करना है। इस केक को मैं क्रीम का पतला लेयर लगा रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैं पूरा डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। अब स्क्रैपर से मैं इस क्रीम को फिनिशिंग दूंगी। स्क्रैपर को ऐसे पकड़ना है और टर्निंग टेबल को स्क्रैपर की साइड में हमें ऐसे घुमाना है।
ये काम हमें एकदम हल्के हाथ से करना है। अब ऊपर का जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसे पैलेट नाइफ को थोड़ा सा ओपन पकड़ के हमें ऐसे अंदर पुश करना है। ये केक पूरा डिजाइन से कवर होने वाला है, इसकी वजह से अंदर से जो फिनिशिंग है वो थोड़ा कम आ गया तो भी चलेगा। अब इस केक के ऊपर मैं ये डॉल लगाने वाली हूँ। ये डॉल इडेबल नहीं है, इस डॉल को मैं केक के इस साइड में ऐसे लगा रही हूँ। केक के ऊपर हम रोजेट का डिजाइन बना के डॉल का लॉन्ग गाउन बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने कलर मिस्ट का लिक्विड येलो कलर क्रीम में डाला है। अब ये क्रीम रेडी हो गई है। यहाँ पे ये मैं नूर 7 नंबर का नोजल यूज कर रही हूँ छोटे रोजेट बनाने के लिए। और जहाँ से मुझे डॉल का गाउन बनाना है वहाँ मैं टूथपिक से मार्क करके ले रही हूँ। अब हम डॉल के ऊपर डिजाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। पाइपिंग बैग को थोड़ा सा क्रॉस पकड़ना है, प्रेस करना है और उठाना है। और इसी तरह हमें डॉल के फ्रॉक का ऊपर का जो पार्ट है वो कंप्लीट करना है। डॉल की दूसरी साइड में भी हम ऐसे ही सेम डिजाइन बना के रेडी करेंगे। यही सेम नोजल से अब हमें छोटे छोटे रोजेट बनाने हैं। अब मैं नीचे बड़े रोजेट बनाऊंगी तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 1mm नोजल लिया है। जहाँ पे मैंने मार्क किया है वहां से मैं ये बड़े रोजेट बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। इसी तरह एक लाइन से मैं ये बड़े रोजेट बना रही हूँ। इसी तरह ये रोजेट बनाते हुए हमें ये केक की डिजाइन कंप्लीट करनी है। जहाँ पे मैंने मार्क किया है वहां तक मैं ये पूरा रोजेट निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये सारे रोजेट मैंने बना के कंप्लीट कर दिए हैं। अब केक बोर्ड के ऊपर मैं ऐसे दो लाइंस रोजेट के बना रही हूँ। इसी तरह ये मेरा डिजाइन अब कंप्लीट हो गया है। अब इन रोजेट्स के ऊपर मैं गोल्डन टच देने वाली हूँ। इसके लिए यहाँ पे मैंने गोल्डन डस्ट कलर लिया है, उसे ऐसे थोड़े डिस्टेंस पे पकड़ना है और ये डिजाइन के ऊपर हमें डस्ट करना है। यहाँ पे इस डिजाइन पे मैंने गोल्डन डस्ट कर दिया है। मेरे पास ये कुछ इडेबल मोती है, इनको मैं ये डॉल के गाउन के ऊपर ऐसे बीच बीच में रख रही हूँ। तो फ्रेंड्स, रेगुलर डिजाइन से थोड़ा हटके डिजाइन में बनाया हुआ ये रसमलाई केक हमारा रेडी है। आप ये केक जरूर ट्राई कीजिए और ऐसे ही अलग अलग केक के फ्लेवर्स और डिजाइन देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।